प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। प्रभु ने एक और मौका दिया कि हम इस तरह से प्रभु के वचन को खोलकर वचन पर ध्यान करें और प्रभु के वचन से हमको प्रभु क्या देते हैं वो हम पाएं। इस तरह से प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने एक और मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। पिछले दो तीन हफ्तों से हम प्रभु यीशु के जीवन में घटने वाली मुख्य घटनाओं को या जिन घटनाओं को प्रभु ने जन्म दिया उन बातों को हम देख रहे थे। आपको याद होगा तीन हफ्ते पहले मैंने ये बात याद दिलाई थी कि प्रभु जब मंदिर गए, देवालय आराधनालय गए यहूदियों के, तो आराधनालय जहाँ ईश्वर की आराधना होनी चाहिए और जहाँ हर आदमी बिना किसी रोक टोक के, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी व्यक्ति आकर वहाँ प्रभु की आराधना कर सके, इस तरह का माहौल एकदम से बदल दिया गया था। और ईश्वर की आराधना के बदले वहाँ पर तो धंधा हो रहा था, काम बिजनेस चल रहा था। मतलब मनुष्य जिसकी सृष्टि ईश्वर ने इसलिए की है कि मनुष्य बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अड़चन के प्रभु के पास जा सके, उस मनुष्य को प्रभु के पास जाने से रोकने के लिए मनुष्य ने तरीके बना लिए थे और कंडीशन लगा दिया था, यहाँ से आगे जाना हो इतना पैसा दो, ऐसा करना हो तो इतना पैसा दो, प्रभु के लिए यदि कोई चीज कुर्बानी करनी है या बलिदान चढ़ाना है तो उसको इतना पैसा दो। इस तरह से उन लोगों ने वो जो आराधनालय था उसको बिजनेस की जगह बना दिया। सही कहा जाए तो बिजनेस नहीं, लूट मचा रखी थी। प्रभु ने कहा कि ये मेरे पिता का घर ये ईश्वर की आराधना के लिए है, ये लूट के लिए नहीं है। और आपको याद होगा मैंने ये बात याद दिलाई थी कि प्रभु अंदर गए और आराधनालय के अंदर, आराधनालय मीन्स इतना छोटा सा हॉल वगैरह नहीं था, वो बहुत बड़ा बिल्डिंग था और उसके चारों ओर भी बहुत बड़ी 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 जगहें थी जिसके चारों ओर दीवार थी, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ बिजनेस चलने के लिए जगह थी। प्रभु गए, उन्होंने सारे जानवरों को हंटर मार मार के वहाँ से निकाल दिया, जो लोग पैसे का लेन देन कर रहे थे, सर्राफ लोग, उनके पैसे के टेबल सब उलट दिए। और प्रभु ने कहा ये क्या है, ये ईश्वर का भवन है या डाकुओं की खोह, मतलब डाकुओं की मांद है। प्रभु ने कहा कि तुम जिस तरह से डाकू बहुत ही इनोसेंट निर्दोष लोगों को लूटते हैं, या जिस तरह से सड़क के किनारे बैठे हुए लुटेरे लोग अकेले जाते यात्री को लूट लेते हैं, तुम यहाँ पर ईश्वर के नाम पे लूट मचा रखी, तुमने मचा रखी है, और इस तरह से सबको बाहर कर दिया। उसके बाद वाले हफ्ते मैंने ये बात याद दिलाई थी कि इसे देखकर उस मंदिर को जो लोग कंट्रोल करते थे उन्होंने आके प्रभु से पूछा कि यदि तुमको ईश्वर ने भेजा है या यदि आप स्वर्ग से पधारे हैं तो ऐसा कोई कार्य दिखाइए, अद्भुत कार्य दिखाइए जिसके द्वारा हम समझ सकें कि आप स्वर्ग से विशेष रूप से पधारे हैं। प्रभु ने कहा कि एक काम करो, इस मंदिर को नाश कर दो, ढा दो, डिस्ट्रॉय कर दो, मैं उसको तीन दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रभु ने अपने शरीर के बारे में बोला था क्योंकि प्रभु इस संसार में आए ही इसलिए थे कि अपना जीवन बलिदान करें, और प्रभु के कहने का मतलब ये था कि तुम लोग मुझे पकड़कर मेरी हत्या करवा दोगे लेकिन तीसरे दिन मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा। लेकिन उनकी आंखें तो अंधी थी क्योंकि वो वहां पर मनुष्य और ईश्वर के बीच में थोड़ी कार्य कर रहे थे, उस मंदिर को जो लोग कंट्रोल कर रहे थे वो तो अपना धंधा कर रहे थे, लूट मचा रहे थे। इसलिए जब प्रभु ने कहा कि इस मंदिर को ढा दो, उन लोगों ने सोचा इस मंदिर को ढा दो। इससे मैंने ये बात याद दिलाई थी कि
ईश्वर की वाणी यदि सुननी है, ईश्वर मनुष्य से जो कहते हैं, यदि हम उसको साफ साफ बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी गड़बड़ झाले के यदि समझना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मानसिक सोच को ज़रा अलग हटा कर रखें और ईश्वर जो कह रहे हैं उसको सीधे सीधे सुने। इसका असर क्या हुआ कि उन यहूदियों के बीच में, मैं बार बार ये यहूदी शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु एक यहूदी थे और इसलिए प्रभु ने अपने 33.5 साल जिस देश में और जिस प्रदेश में बिताए वहाँ पर यहूदी लोग थे, इसलिए मैं बार बार यहूदी शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। यहूदियों के बीच में एक से एक स्कॉलर्स, पंडित लोग थे, विद्वान लोग थे, जो कि 10-10, 15-15 साल स्टडी करने के बाद इस पोजीशन में पहुंचते थे। बल्कि उनमें एक विशेष ग्रुप ऐसा था जो कि बाइबल की लगभग इतने पन्ने हैं, मैं जरा देखूं, 250 पन्ने हैं। इन 250 पन्नों को मुंह जवानी याद करता था और इन 250 पन्ने में जो कुछ है उसको वो मुंह जवानी बोल सकता था। इतना याद करने के बाद वो उस धर्म गुरु के पोजीशन में पहुंचता था। इस तरह के एक धर्म गुरु प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु ने मंदिर में जो कहा था उसका असर बहुत लोगों के ऊपर हुआ। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम इस तरह से पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फरीसियों में, मतलब यहूदियों के धर्म गुरुओं में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो उन लोगों का नेता भी था, नायक था। आप पूछेंगे निकोदेमुस ये कैसा नाम है? आज से 2000 साल पहले मध्यपुर में ऐसे ही नाम चलते थे। तो निकोदेमुस नाम का महापंडित जो कि यहूदियों के एक नायक भी था, उनको लीड करने वाले एक नेता भी था, वो प्रभु से मिलने के लिए आए। उन्होंने रात को यीशु के पास आकर प्रभु से बातचीत की। ये रात को क्यों आए? इसलिए कि यहूदियों के लिए उनका धर्म तो धंधा बन चुका था और इसलिए उन धंधेबाजों के सामने दिन में एक व्यक्ति प्रभु से मिलने के लिए आए, और वो भी कौन? वहाँ उस मंदिर के जो अगुए हैं, जो नायक हैं, तो बाकी सब लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये एक व्यक्ति, निकोदेमुस नाम के व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु के कामों को देखा, प्रभु जिस कड़ाई से गलत कामों का विरोध कर रहे थे उसको देखा, और जब उन्होंने प्रभु यीशु की शिक्षाओं को सुना, तो ये व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझ गया कि प्रभु यीशु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य मनुष्य नहीं है। निश्चित रूप से वो स्वर्ग से मनुष्यों के बीच में पधारे हैं, और इसलिए उन्होंने रात को जाके प्रभु से मुलाकात की और उनका पहला ही स्टेटमेंट ध्यान से सुने, हे गुरु या हे महान गुरु, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से गुरु होकर इस संसार में पधारे हैं, क्योंकि कोई भी इन अद्भुत कार्यों को जो आप दिखाते हैं वो तब तक नहीं दिखा सकता जब तक ईश्वर उस व्यक्ति के साथ ना हो। ये प्रभु से मिलने के लिए जो व्यक्ति आया था, निकोदेमुस नाम का, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था। इस व्यक्ति के बारे में प्रभु के वचन में हम आगे भी पढ़ते हैं, उसके आधार पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि उस समाज में सबसे पढ़े लिखे, धार्मिक बातों में सबसे ज्ञानी और लोगों की अगुवाई करने वाले एक महान व्यक्ति थे। इतना ही नहीं, काफ़ी धनी व्यक्ति थे, क्योंकि प्रभु यीशु को दफनाने के लिए जो लोग आए थे उन दो में से एक ये निकोदेमुस थे।
तो इस तरह से ये महान व्यक्ति, महान धर्म गुरु, महान नायक रात को लोगों से छुपकर आकर प्रभु से बोलते हैं, हे प्रभु, आप अपने जीवन में जो अद्भुत कार्य दिखाते हैं इसको कोई भी मनुष्य अपनी शक्ति से नहीं दिखा सकता, मनुष्य की ताकत नहीं है, ये निश्चित रूप से ईश्वर की महान शक्ति है जिसके कारण आप ये करते हैं। क्या करते हैं? इन घटनाओं को हम आगे देखेंगे जब हम प्रभु यीशु के जीवन का अध्ययन करेंगे, लेकिन हम देखते हैं प्रभु ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जिसको कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। जैसे जो मरे हुए थे जिनके बारे में कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसे लोगों को सिर्फ आज्ञा दी, उठ जाओ हे जवान, उठ जाओ हे बच्ची, उठ खड़ी हो, और मृत्यु से लोग उठ खड़े हुए। आप कहेंगे कि कई लोग जिनको मरा हुआ समझ लेते हैं ऐसे लोग पुनर्जीवित हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये घटनाएं भी ऐसी हो। ऐसा नहीं है। एक और घटना थी जिसमें एक आदमी को मरने के बाद, दफनाने के बाद, 3 दिन के बाद प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, अपनी कब्र से बाहर आ जाओ, और वो बाकायदा कब्र से पुनर्जीवित होकर कब्र से बाहर आ गया। ये कोई आकस्मिक रूप से, कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये अद्भुत कार्य थे। इतना ही नहीं, प्रभु ने एक बार 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर प्रार्थना करके तोड़ तोड़ के देते गए प्रभु, और 5,000 लोगों को खाना खिलाया। जब 5,000 लोग खाना खा चुके, तब खाना इतना प्रभु तो तोड़ के देते जा रहे थे, उसमें से सारा खाना लोगों को देना ना पड़ा, काफ़ी बच गया, कई टोकरी भोजन बच गया। था कितना? 5 रोटी 2 मछली, और कितने लोगों ने खाया? कम से कम 5,000 पुरुषों ने। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग अंधे नहीं हैं, वो इस बात को देखते जाते हैं। प्रभु के जीवन में इस तरह की जो घटनाएं हुई थी, निकुदेमुस उसको देखते जा रहे थे। तो निकुदेमुस ने 2-3 बातें देखी। 1, प्रभु जो अद्भुत कार्य करते हैं। 2, प्रभु की जो अद्भुत शिक्षाएं हैं। 3, प्रभु की जो अद्भुत दिव्य शक्ति है जिसके कारण उस मंदिर में जो लोग लूट मचा रहे थे, जो दुनिया में किससे नहीं डरते थे, एक अकेले प्रभु वहां खड़े हो गए और हंटर मार मार के जानवरों को भगा दिया, उनमें से कोई व्यक्ति प्रभु का कुछ नहीं बिगाड़ सका। असंभव बात है, लेकिन इन सबको देख के निकुदेमुस समझ गए कि वाकई में प्रभु कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। इसलिए निकुदेमुस ने जाकर प्रभु से कहा, हे महान गुरु, ये बात स्पष्ट हो गई है कि आप स्वर्ग से पधारे हैं, क्योंकि आप जो अद्भुत कार्य करते हैं इसको कोई और नहीं कर सकता। ये महान गुरु सच्चाई जानना चाहते थे, और सच्चाई जानने के लिए प्रभु के पास आए थे। क्या सच्चाई? देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में बहुत सारी सच्चाइयां हैं, लेकिन एक ऐसी सच्चाई जिसकी जरूरत हर व्यक्ति को है वो यह है कि मैं आ गया हूं, मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा, मैं कहाँ जाऊंगा। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको हर व्यक्ति जानना चाहता है। मैंने आपको कई बार वो श्लोक सुनाया था, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो इस संसार में एक बार आ चुका है उसको जाना ही पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कंगाल हो, चाहे वो फकीर हो जिसने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन इनमें से हर व्यक्ति को जाना पड़ेगा। और मनुष्य जो सच्चाई जानना चाहता है वो ये है कि मैं कहाँ जाऊँगा। और भी बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं, लेकिन ये हम सबके लिए बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए, मैं फिजिक्स का अध्यापक रहा, आज भी सीनियर सिटीजन हो गया, मुझे अब फिजिक्स की कोई जरूरत नहीं है,
लेकिन इसके बावजूद मैं फिजिक्स की पत्रिकाएं पढ़ता रहता हूं। फिजिक्स में बहुत सारी नई नई बातें वो ढूंढ निकालते हैं, उन बातों को जानने की कोशिश करता हूं। मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा है उन बातों को जानने के लिए, लेकिन आपके जीवन में नहीं है क्योंकि आपका विषय नहीं है। आपके जीवन में कुछ अन्य बातों के बारे में जिज्ञासा होगी। हर एक व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। ये महान धर्म गुरु प्रभु के पास एक बात को जानने की जिज्ञासा लेकर गया था, और वो जिज्ञासा ये कि मैं नया जीवन ईश्वर के साथ जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए क्या करूं। इस जिज्ञासा को अच्छी तरह से समझकर ये धर्मगुरु इस बात को पूछें, उसके पहले ही प्रभु ने उत्तर दे दिया। वो आकर भूमिका बांध रहे थे, प्रभु आप ऊपर से आए हैं, आप अद्भुत कार्य दिखाते हैं। प्रभु ने किसी भूमिका को बांधे बिना सीधे सीधे उस धर्मगुरु से कहा, मैं तुमसे सच सच एक बात कहना चाहता हूं, और वो यह है कि यदि किसी व्यक्ति का नया जन्म ना हो तो वो ईश्वर के पास नहीं जा सकता। हम में से हर कोई अपने जीवन में मुक्ति पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, ईश्वर के पास जाना चाहता है। हम सब जानते हैं कि आया है सो जाएगा, मुझे भी जाना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे, क्या ईश्वर के पास जाएंगे? इस विद्वान के मन में भी यही प्रश्न था कि मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, हे प्रभु उसके लिए रास्ता क्या है। लेकिन वो इस बात को पूछे उसके पहले प्रभु ने जवाब दे दिया कि देखो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब यह था, तुम बड़े पंडित हो, बड़े विद्वान हो, तुमने प्रभु के वचन के 250 पन्ने, कम से कम 250 पन्ने मुंह जवानी याद किए हैं, और तुम और भी हजारों बातें प्रभु के वचन के बारे में जानते हो। लेकिन यदि तुम एक नया जन्म नहीं पाओगे तो ईश्वर का राज्य नहीं देख सकते। गुरुजी तो हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने आज तक किसी व्यक्ति को जन्म लेते हुए देखा है लेकिन नया जन्म लेते हुए तो नहीं देखा है। उन्होंने पूछा प्रभु से, एकदम से जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है? एक्चुअली जल्दबाजी में उसने यह प्रश्न पूछा, एक्चुअली बूढ़ा हो या जवान हो वो फिर से कैसे जन्म ले सकता है। उसके बाद उन्होंने उनके मन में जो असली प्रश्न है उसको स्पष्ट किया, क्या वो अपनी माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? जैसे ही प्रभु यीशु ने इस महापंडित से बोला कि मनुष्य जब तक एक नया जन्म नहीं पाए तब तक वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, तो उस महापंडित को तो बस एक जन्म के बारे में मालूम था, बच्चा अपनी माँ से जन्म लेता है। तो जब प्रभु ने कहा कि एक नया जन्म जरूरी है तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु, आज तक तो दुनिया में किसी ने इस तरह का जन्म होते नहीं देखा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कैसे इस तरह का जन्म ले सकता हूँ। बूढ़ा शब्द इसीलिए यूज किया। प्रभु ने उसका जवाब दिया, प्रभु ने कहा, और यहां पर हम वो जो एक प्रश्न है जो तब भी लोगों ने पूछा था, आज भी लोग पूछते हैं, जिसका जिस प्रश्न का जवाब के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, उस प्रश्न का जवाब यहां प्रभु ने दिया। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल अर्थात आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये जल और आत्मा से जन्म का क्या मतलब है, इसको प्रभु के वचन में आगे और स्पष्ट किया गया है। कई बार प्रभु के वचन में जल का मतलब है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन जिस तरह से जल प्यासे
प्यासे की प्यास बुझाता है, उसी तरह से आत्मिक रूप से जो व्यक्ति प्यासा है उसकी आत्मिक प्यास को प्रभु का वचन बुझाता है। तो उस जल से हम कैसे जन्म लेंगे? जब हम उस जल को प्राप्त करेंगे। प्रभु का वचन आत्मिक जीवन के बारे में क्या कहता है, इस बात को जब हम समझेंगे और समझकर जब हम उस समझ के द्वारा जो करना है वो करके एक नया जीवन पाएंगे, तो वो है जल के द्वारा नया जीवन। आत्मा के द्वारा नए जीवन का मतलब क्या है? आत्मा के द्वारा नए जीवन का मतलब है कि प्रभु पवित्र आत्मा स्वयं मेरे और आपके हृदय में काम करके हमारा जो अज्ञान है उसको दूर करके, हमारे आँख के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटाकर, हमारी नज़र के सामने जो अंधेरा है उस अंधेरे को हटाकर सत्य क्या है और असत्य क्या है इसको स्पष्ट करते हैं। और जब इस तरह से हम सत्य को जान जाते हैं तो असत्य को छोड़कर सत्य की ओर जाते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब इस विद्वान को बात समझ में आई कि प्रभु के कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम जिस तरह से पैदा हुए थे उस तरह से दोबारा अपनी माँ से जन्म लो। प्रभु एक आत्मिक जन्म की बात कर रहे हैं और उस आत्मिक जन्म को प्राप्त करने के लिए प्रभु के वचन को पढ़ना और प्रभु का वचन आत्मिक जीवन के बारे में जो कुछ बोलता है उसको समझना मेरे लिए जरूरी है। और एक बार इस तरह से पवित्र आत्मा की मदद से प्रभु के वचन को मैं समझ लूँगा तो मेरी आँखों के सामने छाया हुआ अंधेरा जो मुझे प्रभु से दूर ले जाता है वो जब अंधेरा हट जाएगा, मैं प्रभु को देख लूँगा, तब उस प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लूँगा और इस तरह से एक नया जीवन पा लूँगा। ये था प्रभु के कहने का मतलब। इन दोनों ने यहाँ पर काफ़ी देर बात की हम देखते हैं, और उसके बाद ये जो महापंडित थे ये वापस चले गए। लेकिन परमेश्वर के वचन में अन्य प्रभु के की जीवनी हम देखते हैं, चार लोगों ने लिखी है, उसको पढ़ते हैं तो उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उस दिन प्रभु ने उस महापंडित को जो संदेश सुनाया था उस संदेश ने उनके हृदय में काम किया और इस कारण बहुत ही खतरनाक स्थिति होते हुए भी आखिरी समय में वे पर्सनली वो व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु को दफनाने के लिए पहुंच गए थे। मैंने ये बात कई बार याद दिलाई है कि प्रभु को उनके दुश्मनों ने जलन के कारण उनको धोखे से पकड़वाकर धोखे से प्रभु की हत्या करवा दी थी। यहूदी लोग एक व्यक्ति जब वो गुजर जाता है तो उसके बाद उसको दफना देते थे। प्रभु को दफनाने के लिए सब लोग डरे हुए थे क्योंकि सारे यहूदी उस व्यक्ति की हत्या में जुड़े हुए थे, और यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति प्रभु के प्रति किसी भी तरह की भक्ति दिखाता उसके विरोध में थे। लेकिन इन सब के बावजूद जब प्रभु की मृत्यु हुई तो प्रभु को दफनाने के लिए कई लोग पहुँचे, और प्रभु का वचन ये बताता है कि उसमें से एक ये निकुदेमुस भी, ये महापंडित भी थे। तो प्रभु ने जो संदेश दिया उसने उस व्यक्ति के दिल को खोला। इससे जो मैंने देखा, अभी हमने देखा है, इसके द्वारा दो तीन बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पहली बात, चाहे राजा हो या रंक हो, मतलब राजा हो या कंगाल हो, चाहे फकीर हो जिसने सब कुछ त्याग दिया है, उनमें से हर एक के मन में एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है, सत्य क्या है? सत्य क्या है? प्रभु का जवाब है, सत्य ये है कि चाहे राजा हो या कंगाल हो या फकीर हो, सबको जाना पड़ेगा और न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। उनमें से सिर्फ वे ही लोग बचेंगे जिन लोगों ने इस दुनिया में रहते रहते नया जन्म पाया है, पहली बात। दूसरी बात यह, नया जन्म क्या है? कौन है जो नया जन्म ले सकता है? कैसे हम नया जन्म पाएंगे?
प्रभु ने उसका भी जवाब दिया और जवाब यह था प्रभु का वचन, उसके द्वारा जन्म। वचन के द्वारा जन्म कैसे लेंगे? जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उसकी गहराइयों को समझेंगे, तब हम इस बात को समझ जाएंगे कि मनुष्य अपने आप का बचाव नहीं कर सकता है। तीसरी बात प्रभु ने इसी में, जब हम आगे बढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि देखो मैं इस संसार में इसलिए आया कि मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन बलिदान करूं, और मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए बलिदान इसलिए कर रहा हूं कि तुमको ईश्वर मुक्ति प्रदान करें, उद्धार प्रदान करें, नया जीवन प्रदान करें, और तुम ईश्वर जब इस संसार को छोड़ के जाओगे तब तुम ईश्वर की उपस्थिति में चले जाओगे। ये बात प्रभु ने बार बार याद दिलाई थी। प्रभु ने इस बात को भी याद दिलाया कि मनुष्य अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जब तक नया न जन्म ले, कर्मों के द्वारा नहीं, दान धर्म के द्वारा नहीं, किसी भी तरह से मनुष्य अपने कर्मों से ये नया जीवन नहीं पा सकता है। नया जीवन पाना है तो पहले वो प्रभु के वचन को पढ़े और समझे, और उसके बाद प्रभु के आत्मा के द्वारा इस नए जन्म को पाए। आप पूछेंगे मेरे प्रिय भाई, इस नए जन्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसका उत्तर प्रभु के वचन में ही है। यदि इस बात को जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि मनुष्य अपने कर्म से अपना उद्धार नहीं कर सकता है, उसके साथ साथ आप एक बात और समझ जाएंगे, इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है वो पापी है। देखिए, मैं इसके पहले भी 50 बार आपको बता चुका हूँ, एक अध्यापक होने के नाते मैं एक साथ 50, 60, 70, 80 विद्यार्थियों को पढ़ाता था, इसलिए इस बात को अच्छी तरह से मैं भी जानता हूँ। दो बच्चों का पिता हूँ इसलिए भी मैं जानता हूँ, इस समाज में रहता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को गलत काम सिखाना नहीं पड़ता है, अच्छा काम सिखाना पड़ता है। सदा सच बोलो ये सिखाना पड़ता है, गलत काम कभी सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप करता है। क्यों? इसलिए कि मनुष्य जन्म से ही पापी है, उस पाप स्वभाव उसके अंदर है जो उसको पाप करने की तरफ ले जाता है। पापी मनुष्य कितने भी अच्छे काम कर ले वो पाप से भरा हुआ ही होता है। एक बात बताइए, मान लीजिए आप किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, चपाती और दाल फ्राई ऑर्डर करते हैं, चपाती और दाल फ्राई ऑर्डर करते जैसे चपाती लाके आपके सामने रख दी गई, दाल फ्राई के स्मेल के मारे आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, तभी आपका साथी जो हाथ धोने के लिए गया था वो कहता है इधर आओ दौड़ के आओ, जरा एक चीज मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, ले जाके आपको किचन का नज़ारा दिखाता है। किचन में जो आदमी आटा गूंथ रहा है उसके दोनों हाथ गले हुए हैं, पस निकल रहा है, पीप निकल रहा है, और जो आदमी उसको तवे पे उलट पलट के डाल रहा है उसके भी हाथ कटे फटे गले हुए हैं। इसको देखने के बाद आप वो चपाती खाएंगे या नहीं खाएंगे? भैया मैं तो ऐसी दौड़ लगाऊंगा वहां से, ऐसी दौड़ कि घर आके ही रुकूंगा। कारण क्या है? जो गंदा है, जो अशुद्ध है, जो मलिन है, वो सिर्फ ऐसी चीज को प्रोड्यूस कर सकता है जो अपने आप में मलिन है और गंदा है। मनुष्य अच्छे से अच्छा कार्य ईश्वर के सामने ले जाकर, हे प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूं और उसके लिए मैंने फलाने फलाने कार्य किए हैं, नहीं, ईश्वर के सामने मेरा और आपका जीवन उस गले हुए शरीर वाले व्यक्ति के समान मलिन है, प्रभु उसको नहीं ग्रहण करते, ना ही प्रभु उसको चाहते हैं। प्रभु ने तो मुझे और आपको ये नया जीवन देने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया था, जिससे वो पुत्र मेरे और आपके लिए सूली पर जाकर अपना बलिदान दें। और इसलिए जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि मैं पापी हूं, तो उसके बाद सिर्फ एक काम रह जाता है, आप
प्रभु के पास जाइए, प्रभु को बताइए, प्रभु मैं पापी हूं, मैं इस बात को समझ गया हूं कि मैं पापी हूं, और मैं इस बात को भी समझ गया हूं प्रभु कि मेरे गंदे सड़े हुए कार्य आपको नहीं चाहिए, आपको इन बातों से घृणा आती है। आपने एक गिफ्ट के रूप में मुझे नया जीवन देने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और इसलिए हे प्रभु आज मैं उस बलिदान को ग्रहण करता हूं, मैं उस प्रभु को अपना मुक्तिदाता मान लेता हूं। जिस क्षण आप प्रभु से ऐसा बोलेंगे उस क्षण प्रभु आपको ये नया जीवन दे देंगे। आज से बहुत साल पहले मैंने अपने फादर से ये प्रश्न पूछा था कि पिताजी नए जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझे यही, मेरे पिताजी ने यही बातें बताई। उस क्षण मैंने वहां घुटने टेक कर प्रभु से बोला, हे प्रभु मैं मान लेता हूं कि मैं पापी हूं, और मैं ये भी मान लेता हूं कि मेरे अच्छे से अच्छे काम आपके सामने सड़े गले व्यक्ति के कामों के समान है, लेकिन मैं ये भी मान लेता हूं कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपना जीवन बलिदान किया और मैं आज प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूं। तब से लेकर आज तक मेरे जीवन में जो खुशी है, जो शांति है और जो कॉन्फिडेंस है कि मृत्यु के बाद मैं प्रभु के पास जाऊंगा, वो एक महान कॉन्फिडेंस है। और आपके जीवन में यही कॉन्फिडेंस आ सकता है यदि आप प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर सकें, ग्रहण करें। जिन लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, ऐसे लोग भी मेरी ऑडियंस में बैठे हुए हैं, उन लोगों को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। प्रभु ने निकोदेमुस से बहुत सारी बातें बोली। निकोदेमुस सब चीजों को प्रश्न के रूप में पूछते गए। किसी चीज के लिए निकोदेमुस ने प्रभु से हां नहीं की। इस बात को विशेष ध्यान दें। ये जो घटना है इसका रिकॉर्ड जरा पढ़ के देखें। प्रभु ने बहुत सारी बातें उसको बताई, उसने वापस उसमें से किसी बात को माना हो ऐसा यहां नहीं देखते हैं, जिसका मतलब यह है कि प्रभु की वाणी सुनने के बाद शुक्रिया प्रभु कहकर वो महापंडित महाविद्वान वहां से चला गया। लेकिन और उसके बाद आगे प्रभु के वचन के कई अध्यायों में उस व्यक्ति के बारे में एक भी बार हम नहीं सुनते। काफी आगे जाने के बाद फिर से निकोदेमस की वाणी हम सुनते हैं, जब लोग प्रभु यीशु के अगेंस्ट दोष लगा रहे थे उस समय, और प्रभु की मृत्यु के बाद निकोदेमस को हम देखते हैं। इससे मैं और आप क्या समझते हैं? मुझे और आपको, जिन्होंने मुक्ति पा ली है, मुझे और आपको प्रभु ने इसलिए बुलाया है कि मैं और आप ईश्वर के वचन को, ईश्वर के संदेश को कंटिन्यूली दूसरे को देते रहें। रिजल्ट हो रहा है क्या? यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। निकोदेमस के जीवन में कुछ रिजल्ट हुआ क्या? प्रभु ने जाने से पहले ये नहीं पूछा कि अरे जरा बताते तो जाओ कि कुछ असर हुआ क्या? प्रभु ने जो व्यक्ति प्रभु के पास ज्ञान पाने के लिए आया था, उसको जो आत्मिक ज्ञान चाहिए था वो आत्मिक ज्ञान दिया, उसको बांट दिया। उसके बाद वो आदमी बाइबल के कई अध्यायों के लिए लुप्त हो जाता है। असर हुआ क्या प्रभु की शिक्षा का? असर हुआ। प्रभु ने उसको जो शिक्षाएं दी थी उसका असर हुआ। मेरे और आपके लिए इसमें से क्या पाठ है, क्या संदेश है? वो संदेश यह है कि प्रभु के इस संसार में आने के 2000 साल के बाद आज प्रभु के प्रतिनिधि के रूप में या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं और आप इस संसार में खड़े हुए हैं, और जिस तरह से प्रभु के पास वो महापंडित आया था, उसी तरह से मेरे और आपके पास दुनिया से लोग आएंगे, प्रश्न पूछेंगे। मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि हम में से हर एक अलग अलग पेशे में है, और चूंकि अलग अलग पेशे में है इसलिए हमसे अलग अलग प्रकार के लोग आकर मुलाकात करेंगे।
जब इस तरह से अलग अलग प्रकार के लोग आकर मुलाकात करेंगे तो उन लोगों को सच्चा संदेश, प्रभु के वचन का खरा संदेश देना मेरी और आपकी जिम्मेदारी, रिजल्ट प्रोड्यूस करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो प्रभु की जिम्मेदारी है। उस व्यक्ति को यकीन दिलाना, उस व्यक्ति को कन्विंस करना तक कार्य करना, उसको संदेश देना मेरी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन उस व्यक्ति को प्रभु के पास लाना, वो प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, संदेश जरूर सुनाए। प्रभु ने मुझे और आपको अलग अलग समाजों में, सोसाइटीज में रखा है। हर समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। एक ग्रुप का व्यक्ति दूसरे ग्रुप के व्यक्ति से जनरली जाकर नहीं पूछेगा। एक उदाहरण दूं, आज से बहुत साल पहले की बात है, मैं यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर था। उस समय हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मेला होता था। उस मेले में हमने एक प्रदर्शनी लगाई थी बाइबल साहित्य नाम से। प्रदर्शनी बढ़िया चल रही थी, तभी हमारी यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर और पत्नी पधारे। ये प्रोफेसर और पत्नी ऐसे लोग थे जो किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करते थे, खड़े होते थे तो ऐसा खड़े होते थे। मेरे पास आए, मेरे डिपार्टमेंट के लोग नहीं थे, मेरे पास आए, बोर्ड देखा, उसके बाद मुझे देखा, पहचान गए कि अरे ये तो वो फिजिक्स वाले फिलिप सर हैं। दोनों मेरे पास आए और बोले कि देखिए बाइबल से संबंधित हमको फलाने प्रकार के पुस्तकों की जरूरत है अपने बच्चों के लिए। ये लोग प्रभु यीशु के अनुयायी थे क्या? नहीं थे, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि प्रभु यीशु की शिक्षाओं के बारे में उनके बच्चे पढ़ें, ज्ञान पाएं। लेकिन वे लोग जो किसी से इवन अपने डिपार्टमेंट में बात नहीं करते थे, जब उन्होंने मुझे वहां खड़ा देखा तो दौड़ के मेरे पास आए। क्यों? इसलिए कि यूनिवर्सिटी वाला यूनिवर्सिटी वाले से अच्छे ताल्लुकात रखता है, भले ही बात ना करे लेकिन उसको लगता है कि ये हमारे बराबर का व्यक्ति है और इसलिए उससे जाकर किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई बिजनेसमैन हो तो मेरे पास नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि उसके साथ मेरा लेन देन नहीं है, उसको हमेशा अपने और मेरे बीच में गैप मालूम पड़ेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से, इसलिए कि वो लोग रोज मिलते हैं या नियमित रूप से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के साथ खुल गए हैं या खुले हुए, इसलिए वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो बिजनेसमैन से बात करेंगे। आपके घर की पड़ोस की गृहिणी, वो आपसे बात करेगी। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु ने हम में से हर एक को अलग अलग पेशे में रखा है, अलग अलग जगह रखा है, अलग अलग भाषा दी है, इसलिए कि हमारे पेशे में जो लोग हैं वो हमसे जानना चाहेंगे, हमारी भाषा के लोग हमसे सुनना चाहेंगे। और इसलिए जिन इस ऑडियंस में, इस सभा में जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को ऑलरेडी मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उनके लिए आज का ये जो पाठ है, इसमें से एक बहुत बड़ा पाठ ये मिलता है, आपको प्रभु ने जहां भी जिस सोसाइटी में रखा है और जिन लोगों से बातचीत आप आराम से कर लेते हैं, उन लोगों को प्रभु का वचन, प्रभु के वचन की शिक्षाएं और प्रभु के वचन की गहरी बातें सुनाना आपकी जिम्मेदारी है। जहां तक हो सके सुनाने के साथ साथ वो लोग उस बात को मान लें, ऐसे आप उनसे बात करने की कोशिश करें। लेकिन एक बार जब आप साफ साफ उनको जो बात बतानी है बता देते हैं तो उसके बाद प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए, असर होगा। प्रभु का वचन बार बार ये बात हमको याद दिलाता है कि प्रभु का वचन एक बार जब आप किसी व्यक्ति को दे देते हैं, उसके दिल तक पहुंचा देते हैं, तो वो वचन स्वयं उसके हृदय में काम करेगा और प्रभु भी उस वचन को समझाने के लिए उस व्यक्ति के हृदय में काम करेंगे।
आज यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जो विश्वासी भाई और बहन हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं और आप यहाँ क्यों आए हैं। हम में से कई लोगों के लिए उद्धार का मैसेज, गॉस्पल मैसेज कोई नई चीज नहीं है। हमने तो उद्धार पाया है, इसलिए दोबारा उस मैसेज को सुनने से हमारे जीवन में क्या होगा। हाँ, हम लोग गॉस्पल सुनने के लिए नहीं, हम किस लिए आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि जो संदेश हमने सुना है और जिस संदेश ने हमको एक नया जीवन दिया है और प्रभु की निकटता में जिस संदेश ने हमको, जो संदेश हमको ले गया है, वो संदेश दूसरों को सुनाने के लिए अवसर तैयार करना है। ऐसे अवसर तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और प्रभु के वचन की एक विशेषता है कि जब हम प्रभु के वचन के द्वारा दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं तो वो वचन पलट कर हमको भी अनुग्रह देता है। यदि आज तक आपने इस बात को नहीं पहचाना है कि प्रभु ने मुझे फलानी जगह क्यों रखा है, मुझे क्यों एक बिजनेसमैन बनाया, मुझे क्यों एक मजदूर बनाया, मुझे क्यों एक गृहिणी बनाया, मुझे क्यों अन्य बिजनेस में रखा, मुझे क्यों किसी यूनिवर्सिटी सर्कल में रखा, ऐसा प्रश्न जब हम पूछते हैं तो प्रभु का वचन उसका जवाब देता है कि मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय बेटी, जिस जगह मैंने तुमको रखा है वहाँ 50 ऐसे लोग हैं जो नियमित रूप से तुमसे बात करते हैं और तुमसे बात करने के कारण जो खुल गए हैं, जिनका दिल तुम्हारी ओर खुल गया है, मेरे प्रिय बेटे और बेटी, उनको मेरा वचन देना, उन तक मेरा वचन पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इसलिए जितने बिलीवर्स आज प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, उन सबको मैं एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ कि कई बार इस मामले में हम बहुत गलती करते हैं। कितने लोग हैं जिनको हम प्रभु का संदेश सुना सकते हैं, नहीं सुनाते हैं, लापरवाही के कारण, शर्म के कारण, झिझक के कारण। आज प्रभु का वचन आपको याद दिलाता है, लापरवाही मत करो, शर्माओ मत, झिझको मत, मेरा वचन सुनने के लिए तुम्हारे चारों तरफ 50 लोग दिल खोल कर बैठे हुए हैं। जो दिल खोल कर नहीं बैठे हुए उनको छोड़ो, उनकी फिक्र भी मत करो, लेकिन जो दिल खोल कर बैठे हैं, क्या उनके पास तुमने मेरा वचन पहुंचाया है? जरा दो क्षण सोचें। प्रत्येक विश्वासी को ये आदत डाल लेनी चाहिए कि वो अपने घरों में कुछ न्यू टेस्टमेंट्स, कुछ गॉस्पल्स, कुछ ट्रैक्स, कुछ सीडी, कुछ वीडियो कलेक्ट करके रखे। आजकल सीडीज बहुत सस्ते हो गए हैं और उन पर प्रभु के वचन को कॉपी करके आप रखेंगे तो कल को जब आपके घर में चाय पीने के लिए कोई व्यक्ति आएगा, उस व्यक्ति का जब आप अपने बेटे या बेटी के प्रमोशन के बारे में बताते हैं, उसके साथ साथ एक 5 मिनट समय निकालकर उससे ये भी तो पूछिए कि आपने सुना क्या कि प्रभु के वचन में जो बातें कही गई हैं वो एक एक करके पूरी हो रही हैं। वो कहेगा नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, जरा ये वीडियो ले जाके आप इसको देखें, आपको अच्छा लगेगा, आपको आत्मिक जीवन में अनुग्रह मिलेगा। या दूसरा आप कह सकते हैं, आपने फलाने व्यक्ति के लेक्चर को कभी सुना है क्या? नहीं। अरे, मेरे पास एक वीडियो है, इसको जरा ले जाकर आप सुनिए। सुनना जरूरी है, कम से कम एक बार ये संदेश आपको देना मेरे लिए जरूरी है और आपको सुनना जरूरी। 50 तरीके हैं जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु के शुभ संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। क्लोजिंग में से पहले एक बार और मैं याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर ये जो कैलेंडर्स हैं, आपने नोट किया होगा कि डेट के नीचे बहुत सी छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं जिनमें काफ़ी एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। इस तरह के कई क्रिश्चियन कैलेंडर मार्केट में उपलब्ध हैं जिनमें हर डेट के नीचे बाइबल से एक कोटेशन, एक वर्स प्रिंट किया हुआ होता है। कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं होती है,
एक हर नए साल यदि आप इसमें से एक 50 कैलेंडर खरीद के अपने मित्रों के बीच में जो गैर मसीही है यदि बांट सके, क्या मालूम उसमें से कितने लोग उसको पढ़ेंगे और प्रभु के पास आएंगे। ये मुझे ये घटना ये बात तब महसूस हुई जब मैंने एमएससी के बाद पहली बार नौकरी की। एमएससी के बाद मैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर की हैसियत से अपॉइंट हुआ था, इसलिए मेरे पास अपना खुद का कमरा था, चारों तरफ लैबोरेटरी थी, और बिना कुछ सोचे समझे एक कैलेंडर, इसी तरह के क्रिश्चियन कैलेंडर लेके मैंने अपने कमरे में टांग दिया। एक हफ्ते के बाद मैंने एक बात नोट की, स्कूल में एक बहुत ही सीनियर टीचर थी, बस रिटायर होने वाली थी, वो सुबह आई, पूछा मैं कमरे में आ सकती हूँ। मैंने कहा अरे मैडम ये तो आपका स्कूल है, पूछने पाछने की कोई जरूरत ना, आइंदा जब आपकी इच्छा हो तब आप आएँ, जब आपकी इच्छा हो जाएं, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैडम बाकायदा अपने साथ एक नोटबुक और एक पेंसिल लेकर आई थी, सीधे कैलेंडर के पास गई। मुझे लगा वो एक्चुअली उन्होंने मुझे पढ़ाया था, मुझे लगा मेरे कान पकड़ने के लिए आई हैं, नहीं, वो सीधे ये डायरी और पेंसिल लेके उस कैलेंडर के पास गई और वहाँ से देख देख के कुछ नोट करती चली गई। मुझे क्लास में जाना था, मैं क्लास में चला गया, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा बनी रही कि मैडम क्या कर रही थी। अगले हफ्ते फिर से आई, उन्होंने कहा अरे जॉनसन ये जो डेट है इसके नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स ने मेरे दिल को बहुत गहराई से छुआ है और इसलिए हर हफ्ते आकर उस हफ्ते के जो स्टेटमेंट्स हैं मैं उसको कॉपी करके ले जाती हूँ। बाप रे, पहली बार मेरी आँख खुली कि वहाँ जो बाइबल वर्सेस लिखे हुए हैं वो इस तरह से लोगों के दिल में कार्य कर रहा है। वो एक मसीही नहीं थी, एक गैर मसीही टीचर। अगले ही दिन एक कैलेंडर उनको ले जाके मैंने दे दिया, मैडम इसको आप घर ले जाकर टांग दीजिए। और उसके बाद से मैंने नियम बना लिया कि हर साल कम से कम मेरे जो साथी अध्यापक हैं उनमें से कुछ चुने हुए अध्यापकों को एक एक कैलेंडर दूं। लेकिन जब देना शुरू किया तो सब लोगों ने मांगना भी शुरू किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने नव जीवन पाया है, जिन्होंने उद्धार पाया है, उनको प्रभु ने निकुदेमुस से जो बातचीत की थी उससे यह पाठ सीखना चाहिए। कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति हमारे आसपास है तो प्रभु के वचन की शिक्षा उसको देना मेरी और आपकी जिम्मेदारी। यदि हम नहीं करते हैं तो हम लापरवाही कर रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ, फॉरगेट इट, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वचन दूसरे तक पहुंचाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, पहुंचाना और उस व्यक्ति को समझाना सब मेरी आपकी जिम्मेदारी है। वचन को उसके दिल में काम करने दीजिए। निकुदेमस के साथ ऐसा ही हुआ था, प्रभु ने उसको वचन सुनाया, उस वचन ने निकुदेमस के जीवन में कार्य किया और बाद में हम निकुदेमस को फिर से देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में वापस आते हुए। सो आज जो बातें मैंने बताई थी फिर से मैं उसकी समरी याद दिला दूं। यदि प्रभु की वाणी सुनने वाला ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ है जिसने इस नए जन्म का अनुभव नहीं किया है तो आज प्रभु यीशु के पास जाकर प्रभु से बोलिए, हे प्रभु मैं समझ गया हूँ कि मैं पापी हूँ, आपने मेरे लिए अपना बलिदान किया, मैं आपके बलिदान को आज स्वीकार करता हूँ, मैं आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ। आपको उसी क्षण वो नया जीवन मिलेगा। आपको इस बारे में और अधिक समझने की ज़रूरत है तो भाई जेफरी हैं, भाई बर्नबास हैं, उधर भाई मैथ्यूस बैठे हुए हैं, बहनों में से भी कई लोग हिंदी जानती हैं, उनसे पूछिए। वो जो दो जवान वहाँ बैठे हुए हैं टूटी फूटी हिंदी बोल लेते हैं, वो भी किसी न किसी तरह से आपको विषय समझा देंगे, इसीलिए ये लोग आए हैं जिससे कि ये संदेश आपको दे सकें। जितने बिलीवर्स प्रभु का वचन आज सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु मेरे और आपके जीवन में हर दिन अवसर लाते हैं प्रभु का वचन दूसरे को देने के लिए। हम कई बार उस अवसर को समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम ये कह के रुक जाते हैं क्या फ़ायदा मैंने बहुतों को, फ़ायदा नुकसान ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम वचन दें, जहाँ भी जाएं वचन बांटते चले जाएं।
जो असर होना है वो होगा, जरूर होगा और होकर रहेगा। इन बातों को समझकर, अपनी आत्मिक जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझकर, मेरे और आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। जय मसीह की।